आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पूछा है, आइडेंटिफाई द प्रोसेस शोन इन द गिवन फिगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज मस्ट फॉर दिस प्रोसेस एंड द सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हो रही है, इसके लिए ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये जो बीच में मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करेगा कि यहाँ पे सोल्यूट पार्टिकल्स है और ये जो है वो वाटर है। तो वाटर में सोल्यूट पार्टिकल्स जो है, यहाँ पे वाटर की मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है, कभी इस डायरेक्शन में। तो वाटर की मूवमेंट इस तरह से हो रही है, सोल्यूट इस तरफ जा रहे हैं और वाटर, मतलब मानिए ये ए है, बी है, तो वाटर जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है और सोल्यूट इसकी मूवमेंट बी से ए की तरफ हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है ये पहले समझते हैं। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इससे वाटर और सोल्यूट इनका एक्सचेंज हो रहा है ए एंड बी चेंबर में, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस सिर्फ और सिर्फ वाटर के लिए यूज किया जाता है, ना कि सोल्यूट के लिए। तो ऑस्मोसिस मतलब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर से लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर की तरफ वाटर की मूवमेंट होगी और इसे बोला जाता है कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये होने के लिए लिक्विड मीडियम होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और इसमें सोल्यूट पार्टिकल्स मिक्स होने चाहिए। अब देखिए, इट इज द प्रोसेस दैट कैन ऑकर एट ऑल मीडियम, तो सॉलिड में ये नहीं होता, तो ये हो गया गलत स्टेटमेंट। द प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व फ्लो ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स ओनली, तो गलत है। यहाँ पे वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है, तभी तो हमने ऑस्मोसिस लिखा है, तो ये गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द प्रोसेस दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट में सोल्यूट पार्टिकल्स है, सोल्यूट पार्टिकल जितना ज्यादा होगा उतना वाटर जो है इसकी मूवमेंट सोल्यूट की तरफ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जितना सोल्यूट ज्यादा उतना इसका क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज आएगा और पानी जो है वो हाइपरटोनिक बन जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो है, सोल्यूट ज्यादा है, तो ये सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, तो ये सही स्टेटमेंट है। और नेक्स्ट देखते हैं, इट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ट्रांसपीरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, तो ये गलत है। फोटोसिंथेसिस में इस तरह का ऑस्मोसिस या ट्रांसपीरेशन और गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में नहीं होता, तो ये गलत है। तो सही स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, ये हो जाएगा सही आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।